हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ एक ऐसा रूटीन शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग और सॉफ्ट सपल बनेगी। ये सारा जो मैं आपको रूटीन बताने वाली हूँ, इसको क्लेंजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग कहते हैं। मैं इसका DIY करूंगी, इसको CTM रूटीन भी कहते हैं। इस रूटीन को दिन में दो बार फॉलो करना है, एक तो मॉर्निंग में और एक सोने के पहले, ताकि हमारी स्किन एकदम रेडिएंट दिखे, एजलेस दिखे और वो हेल्दी रहे। जब भी आप CTM रूटीन फॉलो करें, अगर आपने मेकअप लगा रखा है तो सबसे पहले उसे रिमूव करें, उसके बाद ही ये रूटीन फॉलो करें। मैं जो आपके साथ ये CTM रूटीन शेयर करने जा रही हूँ, उसमें क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर है। ये काफी ज्यादा आसान है, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको घर में ही इजीली मिल जाएंगे। इस रूटीन को फॉलो करने से आपकी स्किन हेल्दी, ग्लोइंग, सॉफ्ट और स्पॉटलेस दिखेगी। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आधा घंटा एक घंटा लगेगा, सिर्फ 5 से 7 मिनट आप अपने स्किन को दीजिए दिन में 1 से 2 बार। तो सोचिए, अगर आपको इतना अच्छा स्किन मिल रहा है तो यार 5 मिनट देने में क्या जा रहा है। 5 मिनट देकर के अगर स्किन हेल्दी, ग्लोइंग बनती है तो एक ट्राई करना तो बनता है। एक मैं आपको बता देती हूँ, बहुत लोग टोनर को स्किप कर देते हैं, तो स्किप नहीं करना चाहिए। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये स्टेप बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मुझे भी नहीं पता था, तब मैं भी मिस कर देती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला मैं इसे रेगुलरली फॉलो करती हूँ और मुझे काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए मैं आपको ये पॉइंट मेंशन कर दूं कि प्लीज टोनर स्किप मत करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये DIY क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर कैसे बनाना है, उसे यूज कैसे करना। और लास्ट में मैं फिर वही घिसा फिटा डायलॉग आपको बोलूंगी, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, उसके बगल का घंटी दबाएं, ताकि मैं जब भी एक इस तरीके की वीडियो लेकर के आऊं आपके लिए तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियो देख लें। और अगर पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और इस चैनल पे बने रहे। और अगर किसी को डाउट है कि मेरी स्किन इस टाइप की है या इस टाइप की है, मैं उसके लिए क्या यूज करूँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। क्लेंजर बना करके मैं स्टोर कर लूंगी। इसके लिए मैं ले रही हूँ 4 चम्मच बेसन। फिर मैं इसमें ऐड करी ऑरेंज पील पाउडर। अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑरेंज का छिलका सुखा करके भी उसे पाउडर बना के यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं इसमें ऐड करी 1 चम्मच हल्दी। फिर मैं इसमें ऐड करी 1 चम्मच रोज़ पाउडर। अब मैं इसमें ऐड करी 1 चम्मच गुलाब का पत्ता। और फिर इसमें 1 चम्मच मैं नीम का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और लास्ट में मैं 1 चम्मच इसमें चंदन पाउडर ऐड कर रही हूँ। जिनके पास कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, उन्हें बेसन, ऑरेंज पील पाउडर और हल्दी, ये 3 इंग्रेडिएंट डालना मस्ट है। फिर इसे अच्छे से मिक्स करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर ले। मेरा यह DIY क्लेंजर लगभग 1 महीने तक चल जाता है। मेरे हिसाब से ये बेस्ट क्लेंजर है, क्योंकि ये क्लेंजर डर्ट, ऑयल पोल्यूशन निकाल देती है और साथ ही साथ स्किन को डीपली क्लीन करती है, जिससे कि हमारा चेहरा एकदम फ्रेश फील करता है। और जिन्हें भी पिंपल्स की प्रॉब्लम है, ये उनके लिए भी काफ़ी बेहतर है। मैं क्लेंजर को एकदम फेस वॉश की तरह यूज़ करती हूँ। मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड कर रही हूँ और फिर रोज़ वाटर ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अपने फेस पे लगा लूँगी, 1 मिनट के लिए छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं अपना चेहरा वापस से पानी से धो लूँगी। और आप देखिएगा कि कितने अच्छे तरीके से मेरा फेस क्लीन हो जाएगा इसको यूज़ करने के बाद। सर्कुलर मोशन में रब करते हुए मैं फेस वॉश कर लूँगी। DIY टोनर बनाने के लिए मैं ले रही हूँ राइस। इसे मैंने धो लिया है, अब इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ और इसे मैं 1/2 से 1 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, ताकि सारा राइस का क्वालिटी इस पानी में आ जाए। अब मैं इसे एक बॉटल में डाल करके रख लूंगी। इसे और बेहतर टोनर बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल, ताकि मेरी स्किन को सूदिंग इफेक्ट मिले। गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर में एलोवेरा यूज कर रही हूँ। फ्रिज में रखने से ये टोनर 15 से 20 दिन तक आराम से चलता है। राइस वाटर टोनर में भरपूर मात्रा में मिनरल, एमिनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होता है और साथ ही साथ विटामिन सी, ई और B1 होता है, जिससे कि हमारी स्किन ब्राइट, शाइनी, फ्लॉलेस दिखती है और साथ ही पोर्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। मुझे इस तरीके से टोनर लगाना ज़्यादा पसंद है। अगर आप चाहते हैं तो आप कॉटन पैड में लेकर के भी टोनर को अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। DIY मॉइस्चराइजर के लिए मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। ये कांच की बॉटल में है, इसलिए मैंने इसे एक छोटे से बॉटल में ट्रांसफर कर लिया है। अब मैं ले रही हूँ थोड़ा सा एलोवेरा जेल और उसमें ऐड करूंगी 1 ड्रॉप ऑलिव ऑयल का। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पे मसाज करूंगी। तब तक मसाज करूंगी जब तक ये मॉइस्चराइजर मेरे फेस पे अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाए। मॉइस्चराइजर हमारे फेस को नरिश करेगा, मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा और साथ ही साथ सॉफ्ट, सपल और इवन टोन बनाएगा। आप देख सकते हैं कि पहले मेरी स्किन कितनी ज्यादा डल और डार्क लग रही थी और अभी कितनी ज्यादा ब्राइट और ग्लॉसी लग रही है।